डेली मतलब कि हम लोग को बस झूठ सच बोल के वो रखा था। सुबह सुबह निकलेगा इस इधर से तो एकदम ट्रैफिक भी देखेंगे नहीं मिल रहा है, तो नेक्स्ट टाइम जब मैं जॉच लगा के आया तो गाइस मस्तानी सवाल होते मैं चला ये वाला 100 माइल पहुंच चुका हूं और अब यहां से पटना को बाय बाय करने का टाइम आ चुका और निकलता हूं मैं। गया के पावन धरती फाइनली ऑगी ने कदम रख दिया तो फाइनली मैं गया पहुंच चुका और गया पहुंचते भी देख सकते गाइस ट्रैफिक मिल गया और टाइम तो एकदम नहीं लगा मतलब 2 घंटा में मैं पहुंच गया। हे गाइस वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल इस मीरो से, कैसा है आप सब? अच्छा गाइस मैं भी अच्छा हूं। तो आज सिंह सर गाइस की मैं भी पटना में तक 4 दिन से तो आज मैं निकल रहा हूं गाइस गया, मेरे को अचानक से कुछ काम भी पड़ गया और करण भाई का बाइक में अभी भी डिले है। मतलब कि आज के बारे में बोला था कि पक्का फाइनल डिलीवरी दे देंगे बट आज भी नहीं दिया, कल अब बोल रहा तो मैं यहाँ नहीं रुक सकता हूँ गाइस। मैं अब यहाँ से निकल गया हूँ और अब मैं जा रहा हूँ गया और वो भी अकेले जा रहा हूँ और सोलो राइड करके जाना है गाइस गया। मतलब मानी भाई भी नहीं जा रहे, मानी भाई भी यहीं रुके हुए हैं, वो करण भाई के साथ आएंगे कल डिलीवरी वगैरह लेने के बाद। तो अभी 8 बज रहा है गाइस, मैं निकल चुका हूँ और देखता हूँ कितना टाइम लगता गया पहुँचने में। बाकी गाइस जितना दिन यहाँ पे रहे हैं वो मिस्त्री मतलब क्या बताऊँ गाइस, डेली मतलब कि हम लोग को बस झूठ सच बोल के वो रखा था कल दे देंगे भैया परसों दे देंगे भैया करके और आज जाकर रात में फाइनल हुआ कि आज नहीं मिलेगा। तो मैं सोचा कि इतना दिन रुकने से अच्छा है इससे अच्छा मैं गया चला जाऊं, क्योंकि मैं घर पे भी बोल के आया था गाइस कि 2-3 दिन में आ जाऊंगा तो यहाँ पर से मैं जा रहा हूँ। बाकी ड्रैकुला का तो मैं दिखा नहीं पाया गाइस, तो ड्रैकुला जब गया आएगा तो मैं दिखा दूंगा आप लोग को, करण भाई वगैरह से ऐसे वीडियो वगैरह मैं ले लूँगा डिलीवरी वाला थोड़ा बहुत वो सब मैं डालूंगा सिनेमेटिक शॉट में। तो पहले चलते हैं, अभी निकल गए गया के लिए गाइस। कल से मेरा मन इतना ज़्यादा ख़राब है कि क्या बताऊँ, मतलब कि लग रहा है कि मैं जिस चीज़ के लिए आया था वो चीज़ तो हुआ ही नहीं। चलता है पहले फ्यूल वगैरह कराते हैं उसके बाद निकलते हैं गाइस गया। तो ये रहा प्रॉब्लम गाइस, जो घर के पास भी पड़ता था तो यहाँ पर से फ्यूल लेते हैं पहले और फिर चले गए गया की और मात्र 110-120 किलोमीटर है। तो गाइस हो गया फ्यूल अप और यहाँ सब निकल रहे हैं। बाकी मेरे को तो रोड वगैरह देखा हुआ नहीं है बट 2-3 दिन अभी 4 दिन इधर रहे हैं और यही रोड से डेली आना जाना रहता था। करण भाई का जो बाइक था इधर ही से आगे था गाइस वहाँ फुलवारी में, तो थोड़ा थोड़ा रास्ता देखा हुआ हो गया तो आराम से मैं निकल जाऊँगा। वैसे अगर 0 माइल हमको निकलना है सीधे यहाँ से एकदम रास्ता सीधा कहीं पर टर्निंग वगैरह नहीं है तो मेरे को ये सब याद है। तो अभी चलते हैं मस्त गाइस और सोलो राइड तो मस्त भगाते हुए निकलेंगे गया, देखते कितना देर में पहुंच जाएंगे। वैसे तो मेरा ब्रेक्स वगैरह यहाँ कुछ भी मिला नहीं, ना बाइक का सर्विस हुआ मतलब कोई भी काम नहीं हुआ गाइस। डिलीवरी के लिए आए थे इतना एक्साइटेड थे क्या बताऊँ बट वो भी नहीं हुआ। आज अगर हो जाता तो कितना मस्त, आज सारे लोग राइड करते तो साथ में जाते गया सोचे हुए थे बट कोई नहीं आएगा गया। तो आपको बाइक दिखा दूंगा ड्रैकुला कैसा हुआ मॉडिफाई वगैरह, वैसे तो काफ़ी खतरनाक हुआ है गाइस। सुबह सुबह निकलेगा इस इधर से तो एकदम ट्रैफिक भी देखने के लिए नहीं मिल रहा है, तो नेक्स्ट टाइम जब मैं जॉस्ट लगा के आया तो उस टाइम तो इधर से ये रोड से जा रहा था, इतना ज़्यादा ट्रैफिक था सारे लोग मेरे बाइक को ही देख रहे थे जॉस्ट के कारण। आज तो खाली रोड है मस्त भरते हुए निकलते जा रहे हैं गाइस मस्तानी सवाल होते मैं चला ये वाला 100 माइल पहुँच चुका हूँ और अब यहाँ से पटना को बाय बाय करने का टाइम आ चुका और निकलता हूँ मैं गया। और बाकी रोड गाइस पूरा खाली मिला मेरे को तो मैं फाड़ते हुए मस्त पहुँच गया बहुत जल्दी। तो अभी चलते हैं फटाफट, गया भी निकल जाता है जल्दी ऐसे रोड खाली, इसलिए मैं सुबह सुबह निकला हूँ ऐसे रोड खाली मिलेगा तो मस्त जल्दी से गया पहुँच जाएंगे, नहीं तो ट्रैफिक मिल जाता तो बहुत प्रॉब्लम होता है। फिर भी अभी तो थोड़ा बहुत ट्रैफिक देखने के लिए मिल गया गाइस, अगर और सुबह निकलता तो ये सब आस पास कुछ भी नहीं देखने के लिए मिलता मेरे को। गाइस उधर से आते वक्त तो घर से खाना नाश्ता वगैरह करके निकले तो भूख नहीं लगा था बट अभी मेरे को भूख लग चुका है तो अभी मैं रुकूंगा जहाँ पे रुकता हूँ खाने के लिए। उस अगला वाला लिट्टी भी नहीं खाया था तो लिट्टी भी खाने का मन है, तो अभी पहले रुकते हैं और खाते हैं और फिर यहाँ से निकलेंगे। पहुँच चुके हैं धनरुआ बहुत जल्दी क्योंकि पूरा रोड मेरे को खाली मिला था और मस्त अकेले हैं तो भगाते हुए आ गए। तो अब यहाँ आ चुके हैं गाइस सम्राट में जहाँ पे खाते हैं और यहाँ पे लिट्टी वगैरह खा के निकलेंगे थोड़ी देर में। हो गया गाइस यहाँ से खा पी लिए और मस्त हम निकल रहे हैं और अब कहीं नहीं रुकना, सीधा अब गया में रुकना है। पेट फुल हो चुका है गाइस खा के और मस्त भगाते हैं और चलते हैं गया। रोड तो वैसे खाली मिल रहा है बट हल्का धूप आ चुका है तो हल्का गर्म अब लगेगा क्योंकि जैकेट है। वैसे तो गाइस सुबह में जब उठे तो काफ़ी ठंड लग रहा था, इतना ज़्यादा ठंड लग रहा था गाइस को उठने का मन नहीं कर रहा था एकदम बट आना था गया अभी तो फिर उठना पड़ा और जल्दी से निकले हैं। 6 बजे सोचे थे निकलने के लिए बट नींद खुला 6:30 में, उसके बाद फिर मस्त फ्रेश वगैरह होकर निकल गया। गाइस पहुंच चुके हैं जहानाबाद और जहानाबाद में देख सकते हैं मिल गया मेरे को ट्रैफिक वो वाला हाईवे से, मैं वहां से गया नहीं क्योंकि वहां पर से रोड थोड़ा ख़राब था
मैं सोचा अंदर टाउन टाउन निकल जाऊँगा, जाना हुआ तो सही रहेगा। और यहाँ पर ट्रैफिक है, अब ये ट्रैफिक में मेरे को टाइम लगेगा। जितना रास्ता मैं कवर करके आया वहाँ फास्ट फास्ट है वो सब, अब इसमें मेरे को टाइम में रहेगा ज़्यादा, क्योंकि अभी स्कूल वगैरह का भी टाइम है, देख सकते हैं स्कूल बस वगैरह भी ट्रैफिक में है। यही सब ट्रैफिक में लेट होता है गाइज। अगर उधर वाला हाईवे बना होता तो अभी तक मैं कहाँ से कहाँ पहुँच जाता, क्योंकि उधर तो पूरा रोड सही है, मतलब कि हाईवे अच्छा बना दिया है। आने वाले समय में गया से पटना बहुत कम समय में हम लोग पहुँचेंगे, लेकिन ये सब ट्रैफिक अगर टाउन में घुसते हैं तो थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा मिल जाता है। पता नहीं कितना देर इस ट्रैफिक में मेरे को लगेगा, अब चला आया हूँ इधर से तो झेलना तो पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। और गाइस ये मोड़ से अगर हम लोग लेफ्ट चले जाते हैं तो जहानाबाद कोर्ट चला जाएगा, लेकिन मैं लेफ्ट नहीं राइट जाऊंगा, क्योंकि अंदर अंदर पहले हम लोग आते थे जब मेरे पास लाइसेंस नहीं था तो बचने के लिए कि पुलिस वगैरह ना पकड़े। बट अभी हम लोग ये वाला प्रयोग इसलिए करेंगे क्योंकि गाइस उधर रेलवे क्रॉसिंग हो सकता है, बंद भी हो सकता है, तो ये वाला सा है कि निकल जाएंगे, नहीं तो उधर अगर रेलवे क्रॉसिंग बंद रहेगा तो फिर मेरे को रुकना पड़ेगा। आप देख सकते हैं गाइस टनल के नीचे क्या मिल गया मेरे को, अच्छा खासा पानी यहाँ पर जमा हुआ। अभी तो बारिश का दिन भी नहीं है फिर भी। और गाइस अब जाकर मैं जहानाबाद से फाइनली निकल चुका हूँ, और अब देख सकते हैं हाईवे मिल गया मेरे को। ये वाला रोड जो बगल में दिख रहा है ये पुराना रोड था जिससे हम लोग पहले गया पटना आते जाते थे, और उसके बगल में न्यू हाईवे बन चुका है, तो अब इस पर कम टाइम लगेगा हम लोग गया जाने में, तो बहुत जल्दी ये भी बनकर रेडी होने वाला गाइस। और बहुत काफ़ी दूर तक ये बन चुका है, तो अभी मस्त मंगाते हैं और पहुँचते हैं गया गाइस। जो टाइम लगा मेरे को उधर ही लगा, अब तो टाइम नहीं लगने वाला है क्योंकि ये सब रोड में गाड़ी 100+ ही चलेगा। और गाइस गया के पावन धरती फाइनली ऑगी ने कदम रख दिया, तो फाइनली मैं गया पहुंच चुका हूँ। और गया पहुंचते भी देख सकते हैं गाइस ट्रैफिक मिल गया, और टाइम तो एकदम नहीं लगा, मतलब 2 घंटा में मैं पहुँच गया गया। और रोड काफ़ी अच्छा बना दिया गया था, जो भी मेरे को टाइम लगा जो जहानाबाद में ही लगा ट्रैफिक में, अगर वो सब ट्रैफिक नहीं मिलता तो मेरे को आधा घंटा और कम लगता, बाकी मैं 100+ आया हूँ। तो अब गाइस चलता हूँ मस्त घर। बाकी गाइस ब्लॉग में आज कुछ इतना दिखा नहीं पाया क्योंकि मेरे को गया भी आना था तो वो जरूरी था, बाकी शाम वगैरह में अगर कहीं निकलते हैं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चलते हैं गाइस इसी के साथ ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। ब्लॉग अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, अगर आप मेरे चैनल में नहीं हो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में।